हेलो दोस्तों, मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, विश्व में भर में पूरी चुनौतियाँ हैं। उन्हीं चुनौतियों के बीच में एक और चुनौतियाँ आ गई है जिसका हम सामना कर रहे हैं, हमारे किसान वर्ग सामना कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो के माध्यम से और समझ जाने की कोशिश करूँगा कि ये प्रश्न कहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए, आपने एक स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि टिड्डी दल ने हमारे देश में आक्रमण कर दिया है और इस टिड्डी दल ने इतना ज़्यादा आक्रमण किया है कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो किसान वर्ग है वो ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं इससे। तो प्रश्न देखिए, आप स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे होंगे, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मैं पढ़ देता हूँ उसे एक बार, कि भारत में टिड्डी दल की प्रजातियों का उल्लेख करते हुए टिड्डियों के द्वारा जो हमला किया जा रहा है फसलों पर, वह जलवायु परिवर्तन का जो एक उदाहरण प्रस्तुत करता है ये। तो हमला के लिए जो भी किया जा रहा है इसको लेकर के सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, ये आपके सामने प्रश्न रहेगा। मे बी ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा। तो देखिए, ये जो प्रश्न कहाँ फिट होगा आपके एग्जाम में, तो ये प्रश्न फिट होगा आपके जीएस पेपर 3 में, जहाँ पे यहाँ पर खाद्य सुरक्षा की बात की जाती है, ये इकोनॉमी की बात हो जाती है देश की, और यहाँ पर पर्यावरण की बात हो जाता है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका फिट बैठ जाएगा और उसी को लेकर के आपको आंसर अपनी राइटिंग करनी होगी। तो वर्तमान परिस्थिति में आपको सारे चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब टिड्डी दल का पूछा है तो टिड्डी दल के भी कई प्रकार हैं, अब उन प्रकारों को समझना होगा आपसे। ये एक बायोलॉजी का छोटा सा पार्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद जूलॉजी का भी थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ समझना होगा आपको और इसके साथ साथ आपको आंसर देने पड़ेंगे। चलिए, हम समझने की कोशिश करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपने अभी इस साथ बहुत सारे वीडियो देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये मुद्दा कहाँ से आया, ये प्रॉब्लम कहाँ से आई? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, न्यूज़ चैनल वाले ऐसा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने अटैक करवा दिया। यार भैया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, होना क्या है वो हमें समझना होगा, रियलिटी समझना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान से टिड्डी दल ने भारत में आक्रमण कर दिया, बिकॉज यू आर एस्पिरेंट्स, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी के एडवाइज़र नहीं हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं कि आप देने बैठ जाएंगे किसी का पक्ष विपक्ष, आपको रियल फैक्ट देने होंगे। तो फैक्ट कुछ इस प्रकार रहेंगे, देखिए, पिछले कुछ दिनों से एशिया और अफ्रीका के दर्जन भर से अधिक देशों में टिड्डी दल ने हमला किया है। तो टिड्डी दल को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, लोकस्ट स्वाम्स बोला जाता है, ने फसलों को लगभग तबाह कर दिया है। संयुक्त राज्य संघ का मानना है, देखिए संयुक्त राज्य मतलब यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसे यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, तो जो इसका जो हेडक्वार्टर ये इटली में स्थित है। तो उनका ये मानना है कि तीन क्षेत्र हैं, वे तीन क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक है अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र। अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र आप मैप में देखेंगे, तीनों जगह के नाम आप देखना जो बता रहा हूँ मैं, हॉर्न क्षेत्र, लाल सागर क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी जब मैं एशिया की बात करता हूँ तो आप जब जो हिस्सा आ जाता है यहाँ पर अरब वाले जो पेनिनसुला होता है उसे हम दक्षिणी पश्चिमी एशिया कहते हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वहीं पर आता है। और इसके बाद उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक हॉर्न सा जैसा निकला हुआ है, वहाँ से आप देखेंगे तो जो अफ्रीका और जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी एशिया उसके बीच में से एक लाइन मतलब पतली सी पानी के रास्ता निकलता है, उसे यहाँ पर लाल सागर बोला जाता है, रेड सी बोला जाता है उसे। उस क्षेत्र से ये ज़्यादा जो टिड्डी दल है ये भारत की तरफ आ रहे हैं, भारत की तरफ से आने से पहले पाकिस्तान भी गए हैं ये, फिर पाकिस्तान से भारत में आए हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं ये समझना होगा हमें। देखिए, अफ्रीका का जो हॉर्न क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी क्षेत्र है वर्तमान में, वहाँ पे बहुत सारे जो अनाज है, क्रॉप्स है, उसको बर्बाद कर दिया टिड्डी दल ने। उसमें इथियोपिया, सोमालिया में जो टिड्डी दल ने जो भी यहाँ पर आक्रमण किया है, उसमें यहाँ पर केन्या और महाद्वीपों सहित लगभग यहाँ पे 14 से अधिक देश हैं जहाँ पर इसने पूरा प्रभावित कर दिया है इस टिड्डी दल ने। लाल सागर वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सऊदी अरब, ओमान, यमन को भी भारी नुकसान पहुंचाया है इसने। मैं जैसे जैसे देशों का नाम बोल रहा हूं आपको मैप में देखना है ताकि आपको लोकेशन पता चलता रहे। अब देखिए, अब क्या हुआ कि अब ये टिड्डी दल कहाँ पे आ गए, अब ये टिड्डी दल वहाँ से होते हुए ये पाकिस्तान होते हुए इंडिया में आ गए। तो इंडिया में कहाँ पे आइए, तो इंडिया में मुख्य रूप से पश्चिम से आ रहे हैं, तो कहाँ सबसे पहले आएंगे, गुजरात में आए हैं, राजस्थान में आए हैं, फिर पंजाब में आए हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती दोनों के दो तीनों के तीनों राज्य हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये वहाँ से आए हैं, फिर वहाँ से ये बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रवेश कर गए। ये
इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी फसलें हैं, जैसे अभी फसल जो भी बोई गई थी, उन सारे फसलों को ये धीरे धीरे ने तबाह करना शुरू कर दिया। तबाह करने का मतलब उसको खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं ये। तो प्रभावित वाले क्षेत्रों में क्या हुआ कि सरकारों को टिड्डी दल के हमले के विरुद्ध बहुत सारे कार्य करने पड़ रहे हैं। आपने कई जगह वीडियोस में देखा होगा कि पानी चलाया जा रहा है, इसके बाद दवाइयाँ छिड़काव की जा रही है, कहीं ढोलक बजाया जा रहा है, कहीं डीजे बजा करके भगाया जा रहा है, ऐसे कार्यवाही की जा रही है। फिर यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि लगभग बहुत मिलियंस ऑफ टन्स के बराबर इन्होंने अनाज को नष्ट कर दिया है। और अगर हम बात करें उत्तर में, तो उत्तर में ये पश्चिम से होते हुए उत्तर में ये उत्तर प्रदेश में झांसी तक ये पहुंच चुके हैं लगभग, माना ऐसा जा रहा है। फिर कृषि विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये दल लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। कितना? 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये फैला हुआ है। फिर इसके बाद उतना का पूरा ये क्षेत्र कवर कर रहा है, इतना ज़्यादा है इसमें। और टिड्डियों के हमले की आशंका मद्देनज़र दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, ये सारा आपने देखा होगा। अब हम बात करते हैं कि टिड्डी दल ये है क्या एग्जैक्टली, वास्तविकता है क्या इस बात की। तो देखिए, मुख्यतः टिड्डी एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय कीड़ा होता है। ये मतलब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है, जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है। दोस्तों, एक ग्रास होफर होता है और एक टिड्डी होता है। टिड्डी का जो यहाँ पर बोला जाता है, इसे यहाँ पर अलग इसको नाम दिया जाता है, तो वो जो दोनों में डिफरेंस होता है, जो ग्रास होफर होता है ना, जो आप नॉर्मली देखते हैं जो बरसात के दिनों में आ जाता है, उसकी उड़ने की कैपेसिटी कम होती है कंपेरिजन टू इसकी। ये जो होता है, इसका बहुत ज़्यादा उड़ने का कैपेसिटी होता है ये, और बहुत स्पीड से उड़ जाता है ये, तो उसी के कारण ये फसलों को नष्ट कर देता है बहुत तेज़ी से। फिर टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी जो टिड्डी होता है वो सबसे खतरनाक और विनाशकारी होता है। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये अरब से आ रहे हैं। अरब से आ रहे हैं मतलब वहाँ पे रेगिस्तान ही है, रेगिस्तान से आ रहे हैं, तो इनकी में बहुत ही कैपेसिटी होती है, पानी कम पानी में सर्वाइव कर जाते हैं ये। आमतौर पर जुलाई और अक्टूबर में के महीनों में इनकी संख्या में बढ़ोतरी आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन ये पहले ही आ गए क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर है ये। तो गर्मी के और बारिश के मौसम में ये सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट है, फिर गर्मी में तो और बारिश होगा, तो ये इनका जो जनसंख्या होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद अच्छी बारिश और परिस्थिति अनुकूल होने पर इसकी प्रजनन क्षमता में बहुत तेज़ी से वृद्धि होता है। इसके बाद ये होता है कि मात्र 3 महीने की अवधि में इनकी संख्या 20 गुना बढ़ जाती है। कितनी? 20 गुना। अगर आज के समय में एक टिड्डी है, मतलब 2 टिड्डी है, तो अगले मतलब 3 महीने में कितना हो जाएगा? इसको 20 गुना हो जाएगा। मतलब आप 2 में आप 40 का 20 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 40 हो जाएगा वो, कितना तेज़ी से बढ़ जाता है वो। दोस्तों, मैंने 10th क्लास में पढ़ा था कि टिड्डियों के बारे में, कि टिड्डी की जो प्रजनन क्षमता होती है वो इतनी होती है कि वह कुछ दिनों में ही उसका जो स्पीड होता है वो 2 गुना हो जाता है, 2 गुने की दर से उनका जो प्रजनन क्षमता है वो होता है और उनमें इंक्रीमेंट हो जाता है, और वो कई फसलों को खड़ी खड़े ही नष्ट कर देती हैं। और एग्जैक्टली मैं इन सारी घटनाओं को अपने 10th क्लास के बाद, जब मैं ग्रेजुएट होकर के आ चुका हूँ यहाँ पर, तो मैं देख रहा हूँ। लगभग मैंने वो क्लास मैंने 2009 में पढ़ा था और आज 2020 है, मतलब 11 वर्षों के बाद मैंने उसको देख लिया, एक दशक बाद। तो हमने जो भी पढ़ा है ना, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं भारत में टिड्डियों की प्रजाति। तो भारत में टिड्डियों की अगर प्रजाति की बात करूँ, तो भारत में टिड्डियों की जो प्रजाति है वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहला है यहाँ पर रेगिस्तानी टिड्डी, दूसरा है यहाँ पर प्रवासी टिड्डी, तीसरा है बॉम्बे टिड्डी और चौथा है ट्री टिड्डी। ओके, ये हो गए हैं 4 प्रकार के टिड्डियाँ। तो हम बात करते हैं रेगिस्तानी टिड्डी की। तो देखिए, जब हम रेगिस्तानी टिड्डी की बात करते हैं, तो ये टिड्डी दुनिया के सभी प्रवासी कीट प्रजातियों में सबसे खतरनाक माना जाता है, पहली बात तो। इसके साथ साथ इसमें लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण और आर्थिक, ये सारी की सारी जो 4 गतिविधियाँ हैं ना, इसको बर्बाद करने की इसमें अपार क्षमता होती है, क्योंकि ये फसलों को नष्ट कर देता है। ये व्यवहार बदलने की अपनी क्षमता में अपनी प्रजाति के अन्य कीड़ों से पूर्णतः अलग होता है। ये लंबी दूरी तक ये पलायन कर सकता है और बड़ी बड़ी झुंडों का निर्माण करता है ये। फिर सामान्य तौर पर ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर उड़ सकते हैं। सोचिए आप, 150 किलोमीटर बहुत बड़ी संख्या होती है, एक इंसान पैदल तक नहीं जा सकता 150 किलोमीटर, ये 150 किलोमीटर एक दिन में तय कर लेता है। साथ ही 40 से 80 मिलियन टिड्डी
एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समायोजित हो जाती है। तो भारत में कितना है? भारत में यही बोला जा रहा है ना कृषि विशेषज्ञों द्वारा कि भारत में एक वर्ग किलोमीटर के आसपास टिड्डी है यहाँ पर, मतलब भारत में 40 से 80 मिलियन टिड्डी है यहाँ पर। 1 मिलियन में यहाँ पर 10 लाख होता है। अब आप निकाल करके देख लीजिए कितना टिड्डी है यहाँ पर। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिर यहाँ पर एक अकेली जो रेगिस्तानी मादा टिड्डी होती है 90 से 80 दिन तक ये जीवित रहती है, और इस दौरान ये 60 से 80 अंडे देती है। ये देखा आपने कितना तेजी से बढ़ रहा है इसका, एक मादा कितना 60 से 80 अंडे दे रही है वो, और 90 से 80 दिन ये जीवित रह रही है। ये इसका कार्यकाल बहुत लंबा होता है, इसका जीवन काल बहुत लंबा होता है इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। फिर यहाँ पर क्या वर्तमान से पूर्व भी टिड्डियों का हमला हुआ है भारत में, ये हमें जानना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि पुरानी सरकार जो थी, मतलब सरकार थी, प्रशासन था, तो उनने क्या किया था, किस प्रकार से कार्य किया था, तभी हम देख पाएंगे पिछले जो जितने भी सुधार किए गए थे उसको लेकर के हम अपनी योजना बना सकते हैं कि हाँ पहले अगर आया था टिड्डियों का अटैक तो जो भी प्रिकॉशन लिए गए थे क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिर से उसमें, और अच्छे तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास आज के समय तो बहुत अच्छे तकनीक हैं। तो देखिए वर्ष 1950 के बाद टिड्डियों का ऐसा हमला पहली बार देखने को मिला है, मतलब आज़ादी के बाद हमें नहीं देखने को मिला, आज़ादी के बाद लगभग अभी 70 जो साल हुए हैं तब जा करके हमें देखने को मिला है इतना बड़े व्यापक रूप में। दशकों पहले टिग्गी प्लेग, देखिए टिड्डी प्लेग मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक निरंतर वर्षों के लिए टिड्डियों का झुंड हमला करता है तो इसे हम प्लेग का कहते हैं, ठीक है। तो ये जो था कि ये हुआ था, तो ये भयानक रूप को लंबे समय तक देखा गया था। कई एक बार वे अच्छे मानसून के कारण लंबे समय तक इस क्षेत्र में मौजूद रहे। फिर यहाँ पर वर्ष 2019 में जो मानसून था उसमें पश्चिमी मानसून के कारण क्या हुआ था कि पश्चिमी भारत में समय से पहले जुलाई के पहले सप्ताह में, 6 सप्ताह पहले, मतलब जुलाई से 6 वीक पहले शुरू हुआ था। विशेषकर टिड्डियों के से प्रभावित क्षेत्रों में यह सामान्य रूप से सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होता है उसके बजाय 1 माह पहले नवंबर तक ये सक्रिय रहा था। ये टिड्डियों का जो अटैक था, विस्तारित मानसून के कारण टिड्डियों के दल के उत्कृष्ट प्रजनन की स्थितियाँ पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्राकृतिक वनस्पतियों का जो उत्पादन हुआ था वो लगभग कह जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, और उसके बाद भोजन की जो आपूर्ति होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो टिड्डियाँ होती है वो भोजन को नष्ट कर देती हैं। फिर टिड्डियाँ और जलवायु परिवर्तन में क्या संबंध है, मैंने आपसे बताया था कि दूसरा जो हमारा इसमें सब क्वेश्चन था कि ये जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसका भी विश्लेषण करना था। तो देखिए क्या होता है कि जो रेगिस्तानी टिड्डी है उसमें आमतौर पर अफ्रीका के निकट पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अर्ध शुष्क और शुष्क रेगिस्तान तक सीमित होते हैं, जो वार्षिक रूप से 200 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ प्राप्त होते हैं। मतलब आपको मैप देखना होगा, मैप में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर बात की गई है पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ठीक है, ये आपको समझना होगा लोकेशन पूरा का पूरा। जब हम पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी एशिया की बात करते हैं तो हमारा जो अरब पेनिनसुला है उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे और थोड़ा सा बीच में आ जाएंगे तो वो हमारा क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पर लगभग 200 मिलीमीटर से कम बारिश होता है यहाँ पर, तो मान के चले कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तेजी से बढ़ते हैं ये। और हमेशा जो से जो टिड्डियों का अटैक होता है ना वो इसी क्षेत्र से होता है, पश्चिम से ही होते हुए ये पूर्व की तरफ आता है, मतलब दक्षिणी पश्चिमी एशिया की तरफ आता है ये, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ भी आता है ये। तो हमारा जो देश आता है वो कहाँ पर आता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आ जाता है। फिर यहाँ पर सामान्य जलवायु परिस्थितियों में टिड्डियों की संख्या प्राकृतिक मृत्यु दर या जो प्रवासन के माध्यम से घट जाती है। फिर कुछ मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि टिड्डियों का इस प्रकार का जो प्रजनन है जो कि कृषि कार्यों के लिए चिंता का विषय है, क्यों, क्योंकि देखा हमने कि एक टिड्डी मादा जो है वो 80 से 90 दिनों तक जीवित रहती है, उसके साथ साथ वह 60 से 80 अंडे दे जाती है, कितना ज़्यादा वृद्धि कर दिया इसने, तो ये बहुत चिंता का विषय है। खासकर हिंद महासागर के गर्म होने का जो प्रत्यक्ष परिणाम है वो इसी का नतीजा है, क्योंकि फसलें नष्ट हो जाती हैं, और फसलें नष्ट हो जाती हैं तो जो प्रोसीजर होता है यहाँ पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान का पेड़ पौधों और इंसानों के द्वारा वो थोड़ा सा कमी आ जाती है, इसी वजह से यहाँ पर ये रीज़न दिया गया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पश्चिमी हिंद महासागर में सकारात्मक जो हिंद महासागर
द्विध्रुव या अपेक्षाकृत अधिक तापमान पाया जाता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारत समेत पूर्वी अफ्रीका में घनघोर बारिश होती है। तो भारत के बाद जो पूर्वी अफ्रीका की बात करें, मतलब जो कॉन्गो बेसिन आप देखते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद इसके बाद जो हमारा इक्वेटर आता है उसके पास बहुत ज़्यादा तेज़ में बारिश होती है, ये उसी का एक नतीजन भी है। फिर यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि वर्षा के कारण नम हुआ अफ्रीकी रेगिस्तान में टिड्डियों के प्रजनन को बढ़ावा दिया जाता है और ये बढ़ावा मिलता है उसे, और वर्षा की जो अनुकूल हवाओं द्वारा इन्हें भारत की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। तो समझ में आ रहा है आपको किस प्रकार से भारत में आते हैं ये। फिर आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि वर्षा के कारण नम हुए अफ्रीकी रेगिस्तान ने टिड्डियों के प्रजनन को बढ़ावा दिया है और वर्षा की अनुकूल हवाओं का इन्हें भारत की तरफ बढ़ने में सहायता किया है। इसके बाद इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु जारी लॉकडाउन के कारण कीटनाशकों का बेहतर ढंग से छिड़काव ना हो पाने के कारण भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नियमित समन्वय जो गतिविधियों को प्रभावित किया है, वो कैसे किया है। तो देखिए, लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से लोग अंदर हैं, बाहर जाने के परमिशन नहीं है, तो जो भी काम किया जा रहा है वो प्रशासन के द्वारा कुछ कम संख्या में यहाँ पर मजदूरों के द्वारा, किसानों के द्वारा किया जा रहा है। तो उसने भी इसको ज़्यादा ही हवा दे दिया है बढ़ने के लिए, इसको नियंत्रित करने में। अब हम बात करते हैं कि बचाव की बेहतरी बेहतर तैयारी कैसे किया जाए या कैसे किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा बात है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमें सॉल्यूशन पे आना ही पड़ता है। यदि आप सॉल्यूशन पे नहीं आएंगे तो आपको अच्छा आंसर लिखने की कैपेसिटी बिल्डअप नहीं हो पाएगी। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है, मतलब ये एक जियोलॉजिकल, ये वर्ल्ड लेवल पर फैला हुआ एक बात है जिसको मानना पड़ेगा। जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2015-16 में जब वो आए थे प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से बाहर कर दिया था। आज समझ में आ रहा है कि ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई है। तो अफ्रीकी महाद्वीप का सो जो जो यहाँ पर के कारण जो भी यहाँ पर टिड्डी दल के हमले से जो भी यहाँ पर नज़र आया है, विवशता सभी देश में है। तो जो अफ्रीकी हॉर्न है, देश प्रमुख रूप से सामाजिक आर्थिक जो विकास के निम्न स्तर पर है वो, और उसके साथ साथ अब जब यहाँ पर ये परिवर्तन आ जाता है तो ये और भी डिजास्टर क्रिएट कर देता है। यहाँ शोध कार्य को बढ़ावा देना चाहिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ताकि टिड्डियों से हमले के पूर्व व्यापक बचाव किया जा सके, क्योंकि ये उत्पन्न कहाँ से होता है, ये वहीं से उत्पन्न होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है ये। तो वहाँ पे स्टडी करना होगा, स्टडी करने के साथ साथ वहाँ पे जो भी सुरक्षात्मक प्रिकॉशन लेने होंगे वो वहाँ पर इंतजाम करने होंगे, ताकि इन टिड्डियों को हमले से पहले ही खत्म किया जा सके और जो भी यहाँ पर क्रॉप्स है, उत्पादन है, उसको बचाया जा सके। दूसरा, रेगिस्तानी टिड्डियाँ झुंड को नियंत्रित करने के लिए आर्गो फास्फेट रसायनों का छिड़काव किया जाना चाहिए। यह छिड़काव उन क्षेत्रों में करना चाहिए जहां कृषि कार्य नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि यह एक विषाक्त रसायन है। ये कैसे स्पष्ट होगा, देखिए मैं बताता हूं आपको। सपोज दैट एक यहां पर ये देखिए, मैं आपको यहां से बताता हूं। देखिए, ये एक खेत है, ठीक है, कोई शहर है, यहां पर एक बीच में एक कोई खेत है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये चलिए मान के ये तो खत्म करने को है ही वो, तो या तो हम यहाँ पर उनके ऊपर छिड़काव करते दवाइयों का, या फिर वो यहाँ से जब खत्म करके जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम दवाइयों का छिड़काव यहाँ कर दें। तो इन दो जगहों पर हम करके आगे के जो भी सुरक्षात्मक उपाय है वो कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा फसल भी बर्बाद नहीं होगा और लोगों के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो केमिकल का नाम आप याद रखिए, आर्गो फास्फेट रसायन, ये इसका नाम है। फिर फसलों का जो क्लोरो, यहाँ पर क्लोरोपाइरीफाइक्स नाम है इसका रसायन का छिड़काव किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विषाक्त रसायन नहीं है। इन दोनों का नाम आप याद रखिए, क्लोरोपैरीफॉक्स और यहाँ पर आर्गो फास्फेट रसायन, इन दोनों का नाम आपको याद रखना होगा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। टिड्डियों के द्वारा दिए गए अंडे को नष्ट कर देना चाहिए, वो कैसे होगा देखिए, उन पे भी ये दवाइयों का छिड़काव किया जा सकता है। फिर यहाँ पर कृषि क्षेत्र के आसपास जो खाइयाँ होती, जो ट्रेंचेस होते हैं जहाँ पे पानी जम जाता है, वहाँ पे ये ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। खोदकर अपरिपक्व टिड्डियों को जल और केरोसिन के मिश्रण से मिलाया जा सकता है, और उसको मिलाने से क्या होता है कि जो पानी की जो क्षमता होती है, जो वैस्कोसिटी होता है, वो कम हो जाता है, जिससे उसमें डूब करके वो नष्ट हो जाते हैं। फिर ड्रोन आदि का प्रयोग कर उनके प्रजनन कार्यस्थलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। ये कुछ उपाय है जो हम लिख सकते हैं और बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो टिड्डी चेतावनी संगठन है, इसको लेकर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है इसका? लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन।
अगर इतना बड़ा कोई संगठन बनाया जाता है, मतलब आप मान के चलिए कि वो विपदा बहुत बड़ी है, मतलब ये आज से नहीं पहले से भी होता हुआ आया है। ये भारत में भले ही ये 1950 के बाद ऐसा पहली बार देखा जा रहा है इतने बड़े व्यापक स्तर पर विदेशों में ऐसा, दूसरे देशों में ऐसा होता रहा है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रहण निदेशालय, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ द प्लानेट प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज के अधीन आने वाली टिड्डी चेतावनी संगठन, मुख्य रूप से रेगिस्तान क्षेत्रों राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों की जो निगरानी सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, उसको अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करना होगा। फिर इस संगठन का जो मुख्य कार्य निगरानी करना है वो सर्वेक्षण तथा टिड्डी दल के किसी भी प्रकार के हमलों को नियंत्रित करना है। फिर इस संगठन की दो मुख्यालय हैं, कहाँ कहाँ पर ये भी याद होना चाहिए, एक है फरीदाबाद में और दूसरा है जोधपुर में। फरीदाबाद यह संगठन के प्रशासनिक कार्यों का देखरेख करता है, क्या करता है, प्रशासनिक कार्यों का देखरेख करता है, और जोधपुर यह संगठन के तकनीकी कार्यों का देखरेख करता है, मतलब जो मैनेजमेंट करने का जो प्रशासनिक कार्य होगा वो फरीदाबाद वाला इंस्टीट्यूट करेगा, और जो जो भी तकनीकी कार्य है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम है कि कैसे उसको निजात पाया जाए, वो जोधपुर करता है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ही बताइए कि फरीदाबाद जो है वो किस राज्य में आता है, ठीक है, या आप बताइए मुझे। अब हम आ जाते हैं हमारे इस प्रश्न के कंक्लूजन पे, इसको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, क्या है बात, यह है कि तापमान में आप वृद्धि देख रहे हैं, जिस तरीके से बेतहाशा यहाँ पर तापमान में वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर जो है आपका 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है और मैक्सिमम तो 50 प्लस पार कर गया है। तो अब यहाँ पर जो औसत तापमान है वो 40 से 45 के बीच में चल रहा है, तो बोला गया है क्लाइमेट इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, गर्मी इसको ज़्यादा बहुत बढ़ावा देती है बढ़ने के लिए। तो हमें ये होगा कि जो भी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के परिवर्तन आ रहे हैं उसे हमें समझना होगा। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उनकी जो तीव्रता हो रही है उन तीव्रता को समझना होगा, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको समझना होगा। इसके साथ साथ जो पेरिस एग्रीमेंट है, जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के जो भी यहाँ पर एनवायरनमेंट के लिए जो भी इशू उठाए गए हैं उन सारी चीज़ों को एग्जैक्ट देखना होगा, उस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर हम बार बार हमारी जो पर्यावरण से धता नहीं दिखा सकते। फिर सभी वैश्विक जो देश है उन देशों को एक साथ आना होगा, प्रयोग करना पड़ेगा, इसके साथ साथ बातचीत करनी पड़ेगी कि इन टिड्डियों के हमलों को कैसे रोका जा सके। सिंपल सा तरीका है, इसको निगरानी रखना होगा, इसके ऑडिटिंग करनी होगी, इसको नियंत्रित करना होगा, अच्छी रणनीति बनानी होगी, अच्छी नीतियों को बनाना होगा। उसको करने के बाद ही हम इन सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढ पाएंगे और किसानों को मजबूत कर पाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि जो पहला प्राइमरी सेक्टर है वो हमारा प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन मतलब क्रॉप्स प्रोडक्शन, किसानों का प्रोडक्शन। अगर ये वो अच्छे से उत्पादन करेंगे तो हमारा सेकेंडरी जो सिस्टम होता है वो चलता है, सेकेंडरी में हमारे ट्रांसपोर्टेशन आ जाते हैं, और जो टर्सरी हमारा जो देखा जाए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो विभाग हो जाता है, सेकेंडरी में हमारे मैन्युफैक्चरिंग होता है, टर्सरी में हमारे कम्युनिकेटर हो जाते हैं जो पहुंचाने का काम करते हैं, आप इसको वैसे वर्ष भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लागू हो जाती है। तो ये मेरा कहना था, ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने डिस्कस किया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने डिस्कस किया है इस टिड्डी दल के हमले के ऊपर अच्छे से समझ में आया गया होगा। एक और सॉल्यूशन मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसी वीडियो में। देखिए हमने पेड़ पौधे काटे, पेड़ पौधे काटने से क्या हुआ, पेड़ पक्षियों की मात्रा में कमी आ गई, पेड़ पक्षियों की मात्रा में कमी आ गई तो टिड्डियों के आक्रमण, मतलब टिड्डियों की संख्या बढ़ गई। यदि पेड़ पौधे होते तो पक्षी होते, पक्षी होते तो ये पक्षी कुछ हद तक इन टिड्डियों को नष्ट कर देते। मानता हूँ मैं कि सारे को तो नहीं करते वो, लेकिन उनके भोजन के रूप में जो भी कीट पक्षी होते हैं पक्षी वो इनको खा जाते, तो उससे इनकी मात्रा में कमी आ जाती। दूसरा जो पेड़ पौधे होते हैं, आपने देखा होगा उत्तराखंड में आग लगा हुआ है, तो उत्तराखंड में आग लगने के कारण भी पेड़ पौधे ही हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं लेकिन अन्य राज्यों में पेड़ पौधे कम हैं, वहाँ पे टेम्परेचर में मात्रा बड़ी वृद्धि हो गई। जब पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो नमी है वो बरकरार रखते हैं। जब इन्वायरमेंट में नमी होता है तो उस क्षेत्र में गर्मी कम होता है, और जब गर्मी कम होता है ना तो पेड़ पौधों के जलने की संभावनाएँ कम होती है, और पेड़ पौधों में जब नमी होता है तो उनके पत्ते नीचे नहीं गिरते हैं, नीचे नहीं गिरते हैं तो सूखते नहीं हैं, और सूखते नहीं हैं तो वो जलते नहीं हैं। तो ये बहुत सारी लिंकेज है जिसे समझना होगा, और समझने के लिए हमें फिर से अपनी पुरानी किताबों में जाना होगा। मानता हूँ मैं नहीं जा सकते सभी, मत जाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको इन्हीं तरीके से लिंक कर करके चीज़ों को समझाऊँ, ताकि जब आप आंसर राइटिंग करें तो आप अच्छे से लिख पाएँ,
क्योंकि दोस्तों देखिए, हमेशा है ना प्रैक्टिकली जो होता है ना, आप जो अनुभव करते हैं उन्हीं चीज़ों को लिखना होता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है वो आपसे रोबोट की डिमांड नहीं करता है। आप रोबोट नहीं बन सकते। आप रोबोट बनने की कोशिश करोगे ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा आप लिख के क्या आ रहे हो, आपका सिलेक्शन हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर जुड़े रहिए, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, और शेयर करिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं अनअकैडमी पर 1 जून को शाम को 4 बजे लाइव आऊँगा, करंट अफेयर पढ़ाऊँगा वहाँ पर। उसकी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा। और ये वीडियो दोस्तों से शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई भी डाउट होता है पूछते रहिए, मैं मुलाकात करता रहूँगा यहाँ पर वीडियो डाल करके। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत। अपना सुरक्षा आपके हाथ में है।